नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम बैठे बैठे अपना बेली फैट कैसे कम कर सकते हैं, अपने पेट की चर्बी को किस तरह घटा सकते हैं, सिर्फ बैठे बैठे आसानी से। हमें कुछ नहीं करना, कोई हाथ पैर नहीं लाना, कुछ भी नहीं करना, बैठे बैठे अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल मोटापे से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं और मोटापा एक बहुत गंभीर समस्या है और बहुत बड़ी बीमारी है। ये जिन लोगों को हो जाती है वो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, कहीं घूमने फिरने जाने के लिए भी मोहताज रहते हैं, उठने बैठने में भी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, चलने में भी, कहीं घूमने जाना है तो चलने में भी लोगों को, मोटे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है अपना फैट कैसे कम करें, इसके लिए आसान सा एक प्राणायाम है जिसको कि बैठे बैठे आसानी से हम अपने वजन को कैसे कम कर सकते हैं, अपने बेली फैट को कैसे कम कर सकते हैं, आइए अब हम देखते हैं। उसके लिए हम या तो सुखासन पर बैठ जाएंगे या पद्मासन पे भी बैठ सकते हैं। आप तो पद्मासन पर बैठ जाइए और दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और श्वास को छोड़ने पे हमें फोकस करना है। श्वास अपने आप ही ले लेंगे, जैसे कि हम कपालभाति करते हैं, जब हम जल्दी जल्दी जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमारा फैट जो है, पेट का जो है फैट रिड्यूस होगा। और यदि आपकी कोई सर्जरी हुई है, आपको बैक में प्रॉब्लम है, तो आप इसको थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और जो नॉर्मल लोग हैं वो इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 100 बार करें, और यदि या तो 1 मिनट तक करें। आप 1 मिनट तक लगातार नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड शुरू करिए और फिर धीरे धीरे जाके हमारा जो है 1 मिनट तक आप आराम से इसको कर सकेंगे बिना सांस लिए। सांस तो हम लेते ही रहेंगे, लेकिन सांस छोड़ने पे फोकस करना होगा। 1 मिनट तक आप बड़े आराम से कर लेंगे। धीरे धीरे आप समय इसका बढ़ा भी सकते हैं, 2 मिनट भी कर सकते हैं, 3 मिनट भी कर सकते हैं, ये आपकी शरीर की क्षमता के अनुसार है। लेकिन आप इसको जितना ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी आपका फैट जो है रिड्यूस होगा। लेकिन आप चिकनाई वाला, मैदा वाला और ऐसा जो भोजन है उनको, उनका त्याग कर दीजिए और पानी ज्यादा पीजिए, तभी आपका जो है बेली फैट कम होगा। क्योंकि जो जब फैट हमारे शरीर में बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा जाके हमारे पेट में ही फैट बढ़ना शुरू होता है। सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है पेट का ही फैट रिड्यूस करने में होती है, और सबसे पहले चर्बी यहीं से स्टार्ट भी होती है। जब हमारे पेट में अच्छे से फैट बढ़ जाता है, तो फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैट बढ़ने लगता है। तो यदि आपका पेट में फैट बढ़ चुका है, तो आप उसको जल्दी से रिड्यूस कर लें और एक्सरसाइज करें, पानी खूब पिए। धन्यवाद।